गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार और आप देख रहे हैं एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में आज फिर एक बार मैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रहे, ये सभी क्वेश्चन सेट पैटर्न प्रश्न रहते हैं, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दिया है निम्नलिखित आंकड़ों में कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंधित का सही निरूपण करता है। यानी याद रखिए, एक न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है। तो इसमें हम कुछ सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे कि कैसे कैसे हैं। सबसे पहली बात, न्यायाधीश का काम है न्याय देना, जो कि जज होता है उसको न्यायाधीश कहते हैं। अब चोर है, चोर का काम है क्या करना? चोरी करना। चोर का काम है चोरी करना, जो कि चोर क्या करता है? एक अपराधी का काम करता है। तो चोर और अपराधी एक ही हो जाएगा। तो देखिए, ये ऑप्शन किस में मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। दिया है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? तो अगला संख्या क्या क्या दिया है? 289, 196, 256, 169 और 225। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे। 289 होता है 17 का स्क्वायर, 169 होता है, सॉरी 196 है, ये 14 का स्क्वायर है, 256 है 16 का स्क्वायर, 169 है 13 का स्क्वायर, 225 है 15, 15 है यानी 15 का स्क्वायर। तो देखते जाएंगे कैसे, यहाँ 17 है, यहाँ 16 हुआ, यहाँ 15 हुआ, यानी -1 हो रहा है। उसी तरह से यहाँ 14 का स्क्वायर है, यहाँ 13 का स्क्वायर है, -1 हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर -1 होगा, तो क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर होगा। तब 12 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 12 गुना 12, और बार बार हैं होता है 144। 144 है यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर बी, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो समझ में अच्छी तरह से आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिया है एक निश्चित कूट भाषा में क्लियर CLEAR को SBFMD और BUNDS को TEOPC लिखा जाता है। TEOPC लिखा जाता है, तो STALE को किस तरह लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि आखिर ये कैसे लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे CLEAR। इसको लिखा क्या गया है? SBFMD। याद रखिए, R के बाद आता है S, A के बाद क्या आता है? B आता है, E के बाद आता है F, देखिए ऐसे आ रहा है, C के बाद क्या रहा है? D। यानी पहला का लास्ट और दूसरा का फर्स्ट हो रहा है। उसी तरह से इसमें देखेंगे BONDS, तो S का हो जाएगा T, D का हो जाएगा E, N का हो जाएगा M, O का हो जाएगा P, B का हो जाएगा C। देखिए यही वाला ये बता रहा है सेकंड। तो अब नेक्स्ट पूछ रहा है STALE, तो इसका भी उसी तरह से करेंगे। ई का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। L का क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। A का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। T का क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। S का क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो ये कितना मिल रहा है? ये मेरा FMBUT ऑप्शन नंबर B मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है DELHI, दिल्ली को 25, मुंबई को 36, कोलकाता को 49, तो चेन्नई का मान क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखना है कि पहला, ये जो पहले वाला दे रहा है वो किस ट्रिक पे बैठ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 6 का, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, 6 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है? 36 हो जा रहा है। फिर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7, तो 7 का स्क्वायर कर दे रहा है,
तो कितना हो जा रहा है 49। तो उसी तरह से ये देखेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 है, तो ये भी 7 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 49, यानी 49। और 49 है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा 49। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, एम बहन है के का, एम ध्यान से देखिएगा, मिलाइएगा इसको, कोडिंग डिकोडिंग है, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का और भी वीडियो मेरे में है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। एम है, एम की बहन, एम बहन है के का, अब देखिए एम जो बहन है किसका बहन है, के का बहन है, के का बहन है एम, चलिए ये बहन हो गई किसका, के का। तब बहन याद रखिए, जब कोई भी लेडीज हो उसको माइनस लगाते हैं और जेंट्स में प्लस। अब देखिए डी भाई है के का, के का ये क्या है भाई है, तो भाई लिख देंगे, किसका है जी, के का भाई है डी, तो डी भाई हो रहा है तो प्लस लिख देंगे। अब है एफ माता है एम की, एम की माँ है, देखिए जब बड़ा हो जाए तो ऊपर लिखते हैं, छोटा कोई पर्सन का बताया जाए तो नीचे, और करीब करीब एज का है यानी भाई बहन मम्मी पापा ये सेम लिखाता है, तो माँ है, तो एम की माँ है, एम की सॉरी एफ माता है एम की, तो एम की माता कौन हो रही है, एफ हो रही है, यहाँ जाहिर सी बात है इंडिकेट हो रहा है माइनस का। तो एफ के से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है के से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ का कैसे क्या लेसन, तो सबसे पहले ये माँ है तो ये क्या हो जाएगा, ये माँ हो जाएगा तो ये हो जाएगी बेटी, क्यों क्यों कि ये माइनस इंडिकेट हो रहा है। अब कह रहा है ये बेटी है और चूंकि ये इसका ये बहन है तो ये कौन लगेगी, ये जब बेटी लग रही है तो ये कौन लगेगी, जाहिर सी बात है इसमें ना ऐसे तो ये दोनों बहन है तो लगेगी या तो पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकता है, क्यों क्योंकि इसमें ना तो इंडिकेट है प्लस का और ना इंडिकेट है माइनस का, ध्यान रहे इसमें ना प्लस का इंडिकेट है ना माइनस का, यानी क्या हो सकता है, या तो हो सकता है पुत्र हो सकता है या तो पुत्री, और यह है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, इसको एक बार फिर से देखिएगा कैसे होगा, सो देखिए सबसे पहले दे रहा है एम बहन है के की, तो एम के की बहन है, के की बहन को इधर से एरो कर दिए हैं, ये बहन हो गया और बहन को हम माइनस से इंडिकेट किए हैं। फिर कह रहा है डी भाई है के का, फिर से इसको कह रहा है डी भाई है के का, तो डी भाई हो रहा है, देखिए इधर एरो कर दिए हैं, के का हो रहा है भाई, तो ये भी भाई हो रहा है यानी प्लस बता रहा है, ये माइनस माँ है। अब कह रहा है एफ माता है एम की, एम की माँ है एफ बता रहा है, तो ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस इंडिकेट हो रहा है, लेकिन के का तो इंडिकेटर है ही नहीं, तो पूछ रहा है कि कौन है, तो जाहिर सी बात है ये माँ है तो ये पुत्री हो गई, तो जब ये पुत्री हो गई इसका और के का ये भाई है तो या तो ये भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है, तो इसीलिए हम इसका आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, हाँ और अगर इस चैनल पे जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।